हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है आर्सेनिक एल। आर्सेनिक एल के हम मेंटल एस्पेक्ट पर भी बात करेंगे, उसकी मानसिक अवस्था, उसके स्वभाव के बारे में, और दूसरी तरफ उसके साइडिक लक्षण यानी कि बॉडी पे क्या क्या लक्षण आर्सेनिक में देखने को मिलते हैं। पूरा वीडियो इसी पर रहेगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर क्लार्क ने अपने बुक में एक बात लिखा हुआ है कि जो पहले के पर्वतारोही होते थे यानी कि जो पर्वतों पे जाते थे, वो आर्सेनिक का प्रयोग करते थे अपने सांस लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए और अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। दो कंडीशन यानी कि सांस लेने की क्षमता को बढ़ाने और अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए वो आर्सेनिक का प्रयोग करते थे। आर्सेनिक जो मेडिसिन है, आर्सेनिक एल जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको कंपेयर किया जाता है घोड़ों से यानी कि हॉर्स से। इसको कंपेयर किया जाता है हॉर्स के स्वभाव से, कंपेयर किया मतलब कि घोड़े के स्वभाव से इसको कंपेयर किया जाता है आर्सेनिक एल को। अब घोड़ों को जब देखते हैं तो हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा आप उसके अंदर एक रेस्टलेसनेस की फीलिंग आप देखेंगे कि हमेशा घोड़ा बेचैन की अवस्था में रहता है, उसका स्वभाव ही होता है वो। दूसरा, मूवमेंट उसके अंदर हमेशा देखने को मिलता है, कभी या तो उसको आप खड़ा भी कर दोगे एक जगह, कभी आगे करेगा पैर, कभी पीछे करेगा, या तो हिलता डुलता रहेगा, एक जगह वो रह नहीं सकता घोड़ा। तीसरी जो इसमें रहती है, इसके अंदर फियर बहुत ज़्यादा रहता है, घोड़े के अंदर डर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर उसके आगे पीछे थोड़ी भी हलचल होती है तो तुरंत वो पैर चलाना शुरू करता है वहाँ पे। इसलिए बोला जाता है घोड़ों के जो पीछे का जो पैर होता है वहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए, कभी वो पैर मार सकता है। तो डर हमेशा घोड़ों के स्वभाव में देखा जाता है। तो ये तीन जो स्वभाव है, पहला बेचैनी, दूसरा मूवमेंट और तीसरा फियर, ये तीन जो स्वभाव हैं ये घोड़ों के अंदर देखे जाते हैं। अब इसको हम कंपेयर करते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल से। सो अब बात करते हैं मेडिसिन से, इसको रिलेट करते हैं। पहला जो था बेचैनी, आर्सेनिक के पेशेंट में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है, बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है। दूसरा, मूवमेंट, जो घोड़ों में हमने देखा था मूवमेंट का, आर्सेनिक पेशेंट कभी एक जगह बैठ नहीं सकता, कभी यहाँ बैठेगा, कभी वहाँ बैठेगा, हमेशा घूमते रहता है क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा वो बेचैन होता है। और तीसरा, डर, डर सबसे ज़्यादा आर्सेनिक के पेशेंट में देखी जाती है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन डर देखा जाता है वो बीमारी का, यानी कि बीमारी से आर्सेनिक के पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता है, यानी कि ये बीमारी भयावह ना हो जाए, ये बीमारी बड़ी ना हो जाए, ये हमको जो बीमारी हो जाएगी कहीं ठीक नहीं होगी तो, ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इस पेशेंट में देखे जाते हैं। फियर ऑफ कैंसर तक के जो बातें हैं ये आर्सेनिक के पेशेंट में देखी जाती है, यानी कि उसको लगता है कि ये छोटी सी बीमारी उसको कैंसर ना हो जाए, ऐसी भी अनुभूति आर्सेनिक के पेशेंट में देखी जाती है। जैसे हमने कैलेंडुला में देखा था कि वहाँ लिखा हुआ था ग्रेट एंटीसेप्टिक, यानी कि ग्रेट एंटीसेप्टिक जो है वो कैलेंडुला है, उसी तरह यहाँ पे आर्सेनिक में देखते हैं हम ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन की जब बात आती है तो वहाँ पे आर्सेनिक सोचा जाता है। प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है मेंटली और फिजिकली रूप से एकदम एग्जॉस्ट हो जाना, एकदम कमजोर हो जाना, बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, इसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेशन। तो आर्सेनिक के पेशेंट में आपको ग्रेट प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है, और उस प्रोस्ट्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको सैडनेस दिखेगा उस पेशेंट में, बहुत ज़्यादा वो दुखी रहेगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेगा, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है। इसके कारण कमजोरी के कारण, वीकनेस के कारण उसके अंदर इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो ये कुछ जो खास जो सिम्टम है, लक्षण है, वो आर्सेनिक के पेशेंट में देखने को मिलता है। अब पॉइंट पॉइंट करके इसके हम लक्षणों की बात करते हैं। जो पहला लक्षण है, इसकी जितनी पीड़ा बढ़ती है, पीड़ा यानी कि इसकी जो बीमारी या इसकी जो प्रॉब्लम होगी, जितनी ज़्यादा इसकी पीड़ा बढ़ती है उतनी ज़्यादा इसकी बेचैनी बढ़ती जाती है, यानी कि जितनी पीड़ा बढ़ती है, जितनी इसकी परेशानी बढ़ती है, उसके साथ उसकी उतनी बेचैनी बढ़ती जाती है। एक आप कॉमन इसमें सबसे जो खास लक्षण देखा जाता है कि आर्सेनिक के पेशेंट को अगर डायरिया भी होता है, यानी कि लूज मोशन, अगर एक से दो बार अगर लूज मोशन हो जाता है, दैट इज नॉर्मल, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्सेनिक के पेशेंट को एक से दो बार अगर लूज मोशन हो जाता है तो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करता है और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, यानी कि एक से दो लूज मोशन में ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करता है, मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से बहुत ज़्यादा ये वीक हो जाता है। ये सबसे पिक्यूलियर लक्षण है जो आर्सेनिक एल में देखे जाते हैं। फियर ऑफ डेथ, ये रूब्रिक भी है, फियर ऑफ डेथ यानी कि मरने का भय इसमें सबसे ज़्यादा रहता है। फियर ऑफ कैंसर, ये भी रूब्रिक देखने को मिलता है आर्सेनिक के पेशेंट में, यानी कि उसको छोटी बीमारी लगती है कि वो कैंसर ना हो जाए, और मरने का बहुत ज़्यादा डर लगता है, यानी कि सिंपल अगर उसको एक डायरिया भी होता है तो सोचता है कि डायरिया कहीं आगे चल के कुछ और ना कन्वर्ट कर जाए, डायरिया का कुछ और कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो जाए, इस कारण वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके कारण वहाँ पे एग्जॉशन फीलिंग यानी कि मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट मिलेगा आपको आर्सेनिक का पेशेंट। इसके कारण क्या होता है कि उसको लगता है कि ये बीमारी बहुत बड़ी हो गई है,
मेडिसिन लेने से इनकार कर देता है, मेडिसिन भी नहीं लेना चाहता, सोचता है कि इस मेडिसिन को लेने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये बीमारी बहुत बड़ी है, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। इस पेशेंट को अकेले में बहुत ज़्यादा डर लगता है, यानी कि इसको फियर होता है एलोन, यानी कि अकेले रहने पे बहुत ज़्यादा इसको डर महसूस होता है। और जब भी ये बेड पे जाता है, बेड से भी इसका खास रिलेशन है, जब भी ये बिछावन पे जाता है इसकी प्रॉब्लम वहाँ पे बढ़ जाती है, इसको अंदर से डर आ जाता है। बिछावन से एक सिम्टम वहाँ पे है जो मैं आगे जिक्र करूंगा, तो उससे रिलेट करेंगे क्यों इसको डर होता है बेड पे जाने में। आर्सेनिकल का जो सिम्टम है, यानी कि इसकी जो परेशानी है, सबसे ज़्यादा बढ़ती है मिड डे और मिड नाइट, दिन में 12 से 2 और रात में 1 से 2, ये ऐसे कुछ खास टाइमिंग दिए हुए हैं जहाँ पे इसकी प्रॉब्लम बढ़ ही जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते भी हैं, वो कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि रात के समय इस टाइम में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब आप उनसे टाइम पूछोगे तो वो टाइम एक्यूरेट बताते भी हैं कि या तो 1 से 2 बताएंगे या 12 से 2, दिन में और रात में इनकी प्रॉब्लम हमेशा बढ़ती है, ये कॉमन लक्षण इस आर्सेन के पेशेंट में देखे जाते हैं। एक सबसे जो पिक्यूलियर लक्षण है उस पर बात करते हैं, आर्सेनिक के पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, यानी कि दर्द तो है यहाँ पे, दर्द फील हो रहा है, उसके साथ जलन महसूस होती है, यानी कि जलन लाइक दर्द, बर्निंग भी होता है उसके साथ पेन भी होती है। और ये बात इसमें अनकॉमन है कि किसी को यहाँ पे अगर जलन हो रहा है, मुझे ही अगर यहाँ पे जलन होगा तो मैं यहाँ पे आइस लगाना चाहूँगा या तो ठंडा पानी अप्लाई करना चाहूँगा, लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट यहाँ पे वो कहता है कि मुझे कुछ गर्म ला के दो, गर्म को अप्लाई करता है तो उसकी प्रॉब्लम आराम हो जाती है। जैसे कि आर्सेनिक के पेशेंट को स्टोमक में यानी पेट में उसको बहुत ज़्यादा जलन के साथ दर्द हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ जलन हो रही है, दर्द हो रही है, और वहाँ पे अगर वो ठंडा पानी पी लेता है तो उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वहीं पे अगर वो गर्म चीज़ अप्लाई करता है, गर्म पानी पीता है तो उसकी प्रॉब्लम में राहत मिलती है। नॉर्मली अगर देखते हैं तो किसी को भी अगर यहाँ पे जलन हो रहा है तो वहाँ पे वो ठंडा अप्लाई करना चाहता है, लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट को वहाँ पे गर्म अप्लाई करने से राहत मिलती है, दैट इज़ अनकॉमन पिक्चर। यानी कि एज अ होल, यानी कि जनरल एम्ब्रोडेशन की बात करेंगे, यानी कि आर्सेनिक के पेशेंट को हमेशा हीट से एम्ब्रोडेशन है, हीट से आराम मिलता है हर कंडीशन में, एक्सेप्ट एक कंडीशन है हेडेक। आर्सेनिक के पेशेंट को अगर हेडेक होता है, यानी कि उसके सर दर्द की समस्या उसको होती है, उस समय अपने सर को इतने पार्ट को चाहता है कि रेफ्रिजरेटर में रख दे, यानी कि इतना उसको ठंडा चाहिए होता है उस समय, ये इसका एक्सेप्शन है इस मेडिसिन का, जो कि बस हेडेक में ही देखा जाता है, यानी कि अपने सर को रेफ्रिजरेटर में, यानी कि उसको ठंडा चाहिए होता है यहाँ पे, तब उसको प्रॉब्लम वहाँ पे उसके सिर दर्द, उसकी हेडेक की समस्या यहाँ पे कम हो जाती है। अब बात करते हैं थर्स्ट, यानी कि प्यास। आर्सेनिक के पेशेंट को एक्यूट कंडीशन में, यानी कि जब उसको एक्यूट प्रॉब्लम है उस समय उसको प्यास रहती है, लेकिन क्रोनिक कंडीशन में वो उसको प्यास नहीं लगती, यानी कि कम लगती है। एक्यूट अवस्था में इसकी प्यास, यानी कि इसको पानी पीने की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रोनिक में कम हो जाती है। दूसरा एक कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है, आर्सेनिक को हर खाना महकने लगता है, यानी कि कुछ भी अगर घर में खाना बन रहा है उसको स्मेल बहुत ज़्यादा लगता है, आर्सेनिक का पेशेंट है उसको तुरंत महक वहाँ पे लगने लगती है। अब आते हैं इसके थोड़े रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सिम्टम को देखते हैं, यानी कि ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम। आर्सेनिक का पेशेंट जैसे मैंने पहले जो बताया था बेड पे, जैसे ही बेड पे लेटता है इसको सांस लेने में दिक्कतें आने लगती हैं, इसलिए बेड से उठ के और अपने आप को आगे की तरफ झुकाता है, हल्का फॉरवर्ड करता है और बैठ जाता है, क्योंकि जैसे ही लेटता है इसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए आर्सेनिक के पेशेंट को बेड पे जाने से डर लगता है, यही जो कारण था वहाँ पे डर का, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी सांस बंद हो जाएगी, वो मर जाएगा, इसलिए वो हल्का फॉरवर्ड या सीधा बैठना चाहता है। तो ये थे इसके कुछ प्रमुख लक्षण जो इस पेशेंट में देखे जाते हैं। हमने हॉर्स से तुलना की कि हॉर्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन को याद करने में हमें थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उनके कैरेक्टर को हम याद कर लेते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक को हम याद कर लेते हैं, तो इसके जो आर्सेनिक का जो स्वभाव है उसको मैच करने में थोड़ा आसान हो जाता है। ये वीडियो यहीं तक, इसमें मैंने जितने पॉइंट ऐड किए इससे अगर कोई पॉइंट छूटता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर ऐड करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो रूब्रिक है, आर्सेनिक मेडिसिन की जो रूब्रिक है, रूब्रिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करके उसके भाव को हम समझें। ये वीडियो यहीं तक, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय अमेरिका।